Chirag, but his dreams have brought him so far. He came here once, made a song and went back thinking it's not going to work out for him, and then he met Salman Khan on the sets of Prem Ratan Dhan Payo. Something happened to Arun on that day, I think his life changed. He came back here and he's made a song for Salman on the eve of his birthday, and we have so many people over here who are so beautiful and have graced us and have decided to come here and support this man. I think it's very important because sapne hum sabke paas hote hain, unhe saakar karne ki jo strength hai aadmi mein, wo jab power karta hai na, to farak pad jata hai. And as celebrities, I think each of us here is giving him a little bit of their power also, so that it makes a very big difference. I'd like to call on stage first Arun Kumar Nigam. Can I please have Arun on stage? It's very important that, you know, when you are doing a album or a film or anything for that matter, you have the support of somebody who's standing by you and making it happen. This would not have been possible for Arun had it not been for Deepika Soni, Khyati Bhatt, Jay Tilekar, Jethmal Soni, and here's my actor Vinod Soni, please come. I'd like to call the producers to come on stage also. The place is a little small, but the hearts are big, and Anup Chalotra ji has been gracious enough to present Arun so that he can have his support in all that he does. And in Arun's endeavor, Ashok Haria ji, Manoj Rathod ji and Ajay Soni ji have helped him in this endeavor. Thank you so much for being here. I'd like all of us to say a few words later, but before that I think we should just launch because we've been waiting a while now, and I'm so glad to have everyone out here. I'd like everybody to be on stage once we launch, because after the launch I want each of us to say a few words for it. कोशिश भी करते तो ये गाना भी नहीं बनता हमारा तो, लेकिन
लिखा बहुत अच्छा है, बहुत इमोशंस के साथ लिखा है, बहुत अच्छी धुन है, बहुत अच्छा गाया है आपने और इसका वीडियो भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और ज़रूर वो दिन दूर नहीं जब सलमान खान खुद फ़ोन करके आपको अपने घर पे बुलाएंगे। बहुत बेस्ट। और जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके सारे प्रोड्यूसर्स, सोनी जी, आपके एक्टर, सबको थैंक यू वेरी मच आपकी तरफ से। और आप उनको मिले बगैर जाना नहीं अभी, ठीक है ना, झंडा लेके खड़े हो जाना नहीं चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब ऋषि जी, नमस्कार आप सबको। सलमान का कल बर्थडे है तो सबसे पहले हम सबकी तरफ से सलमान हैप्पी बर्थडे भाई। अजय तुम्हारा फैन। अजय एक बात तय है कि सलमान तक पहुंचने के दो ही तरीके थे, या तो तुम फैन बन के पहुंचते अरुण, या तो तुम फैन बन के पहुंचते या तुम आर्टिस्ट बन के पहुंचते। और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने आर्टिस्ट बन के पहुंचना बेहतर समझा। फैन तो बहुत सारे हैं उसके, लेकिन आर्टिस्ट बन के पहुंचना मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जो आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल माने नहीं लगता। माने अगर कुछ रखता है तो वो है आपकी स्ट्रॉन्ग विल, आपका जज्बा, कुछ करने की नीयत। यहीं से हम सब लोगों की कहानी सुनी हुई है, कुछ नहीं से बहुत कुछ बने हुए हमारे पास एक्टर आज भी हैं। तो आपने मेहनत की, एक अच्छा रास्ता चुना और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो हो रहा था उसे आपने समझा और आज आपने उसे पर्दे तक पहुंचाया। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और इसी को पॉलिश करिए, अच्छा इसमें और दिल लगाइए। और मैं देख रहा हूँ कि आपके बहुत सारे संबंधी यहाँ आए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि आपने इसका साथ दिया। और हमें बेहद खुशी है कि मुझे बेहद खुशी हुई आज, जैसे सारा मैं भी यहाँ आया, जब मुझे कहा आपके बारे में तो मेरे दिल से आवाज आई कि ऐसे नए कलाकार के पास जरूर पहुंचना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, ऑल द बेस्ट। और सलमान भाई, आप सबको मिलते हैं, ये आपका एक सही चाहने वाला है, थोड़ी जगह बना लीजिए इसके लिए। थैंक यू। अब बारी है भैया खतरनाक दाढ़ी वाला। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल मुखातिब हूँ। मुकेश जी ने तो बोला बिल्कुल सही बोला, और ये सीढ़ी जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। जर्नी में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग सपोर्ट कर सकते थे, जैसे गौरव ने सपोर्ट किया, अशोक जी ने सपोर्ट किया, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, दीपिका जी ने सपोर्ट किया, तो बस ये एक जर्नी है। अब देखते हैं, शायद हम मंजिल तक पहुंच जाए। सलमान भाई अगर बुला लेते हैं हमें मिलने के लिए तो बेस्ट पार्ट अबाउट सागर जी जस्ट डिड डायरेक्ट द वीडियो, ही डिड एवरीथिंग। वी आस्क्ड हिम, सर मेरे को क्रिएटिव चाहिए, क्रिएटिव ये चाहिए, ये चीज में चेंज करना, ये भी करना, उनका काम ही नहीं था, लेकिन उन्होंने आज तक करे हो ना, तो आपको मंजिल हमेशा मिलती है। दिस गाइस वर देयर विद हिम थ्रू आउट द टाइम व्हेन ही कुडंट गेट आउट ऑफ बेड। आई थिंक ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड हिज स्मॉल किड एंड ही वाज स्टिल विद गुरुजी टिल हिज लास्ट ब्रेथ। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दैट गुरुजी का आशीर्वाद जो है ना वो हमेशा लास्ट तक ले जाता है। आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप अरुण जी को आगे बढ़ाने के लिए आप सब आगे आए, आपका आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और अरुण जी की मेहनत अब सब वाकिफ हो गई है, सब जानते हैं कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी सर कि आप शुरू से आना जाना करते हैं, आप यहाँ आइए, ब्रिस्ब है इधर और ब्रिस्ब को सेवा की भी जरूरत है, आप सेवा कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको आगे आपको सक्सेसता मिलेगी। और ये आज देखने को मिल गया। तो किसी कहते ना किसी असहाय की सेवा करते हैं, और वो तो बहुत मतलब लीजेंडरी राइटर थे, लेकिन किस्मत ऐसी कि मतलब लास्ट पोजीशन में ऐसा समय उनको गुजारना पड़ा, लेकिन भगवान की भी इनके ऊपर ऐसी कृपा थी कि हम हमारे नसीब में उनकी सेवा लिखी हुई थी, इसलिए हम उनके पास पहुंच गए और हमने सेवा की, आपने सेवा की आज, इसलिए आपका ये रिजल्ट आप देख लीजिए। आप तो सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती सर।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे तरक्की करेंगे और भाईजान, मैं तो भाईजान ही समझ रहा हूँ क्योंकि भाईजान इधर ही खड़े हैं, तो अपने अपने वहां का मिलना हो जाएगा। थैंक यू। I like the front seats to be vacated so the celebrities can sit and we can show the song once, please. Santosh ji must be very excited. बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ा तेज बोल, थोड़ा और तेज बोल दीजिए। बहुत खुश हूँ मैं, लग रहा है कि मेरा कुछ कुछ दिन के बाद मेरा सपना शायद आप सबकी दुआओं से पूरा होने वाला, ऐसे एक फीलिंग मेरे को आ रही है। मुझे तो लगता है हो गया, आज आज रात को हो जाएगा, आज रात में। कहाँ से आया ये ख्याल आपको इस गाने का? गाने का ख्याल ऐसे है कि मैं जब पूरी तरह से थक चुका था, मैंने बोला कि सलमान भाई को मिलने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, फैमिली ने साथ छोड़ दिया, समाज वालों ने पागल घोषित कर दिया, मतलब मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा लाइफ में, तो सलमान भाई मैंने आपसे मिलने के लिए इतना सब कुछ कुर्बान कर दिया, या फिर आप मेरी किस्मत में नहीं हो, तो मुझे लगा कि एक फाइनल सॉन्ग मुझे उनको लिए बनाना है, उनको डेडिकेट करना है, फिर सब किस्मत के हाथ में छोड़ देता हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि फैन तो सभी होते हैं, बहुत सारे फैन मैंने भी देखे ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी उसमें से कुछ लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं कि वो वाकई जब अपने आइडल के नज़दीक पहुंचते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ भाई इस तरह की जर्नी आपने तय की है और यहाँ तक पहुँचे हो। और सबसे बड़ी वही बात जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनकी हिम्मत जो थी, इन्होंने उसको सारी, जो इन्होंने कहा कि घर वाले शायद पागल समझने लगे, दोस्तों को लगा ये क्या कर रहा है, काम पे ध्यान नहीं होगा आपका, लेकिन उसके पीछे जो आपकी जो हिम्मत थी, एक जोश था, जो एक ज़िद थी कि आपको कुछ करना है, वो जो मुझे लगता है सबसे प्लस पॉइंट आपका सबसे बड़ा वो ही है कि आप निराशा ना हो के आपने एक ज़िद को पकड़ लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊँगा। और यही होता है हर ज़िंदगी के, हर आदमी की ज़िंदगी में एक ज़िद होनी बहुत ज़रूरी है, वो ज़िद ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका काम ही आपको सलमान तक पहुंचाएगा, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको भी खुशी होगी और सलमान को भी फ़ख्र महसूस होगा कि मेरा चाहने वाले ने एक इस तरह का रास्ता अपनाया कि अपने अंदर एक कलाकार पैदा किया, और वो कलाकार आज उसके सामने खड़ा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन आपका ख्वाब जरूर पूरा हुआ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुदेश जी कैसा लगा गाना? गाना बहुत ही अच्छा लगा, हमने 3 बार देखा लेकिन कहीं भी 1 मिनट के लिए भी हम बोर नहीं हुए, यहाँ तक कि लाइनें कुछ चढ़ गई थी जुबान पर। और मैं इसके म्यूज़िक डायरेक्टर को भी मतलब मैं शुक्रिया मतलब बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्लीन ट्रैक बनाया है, वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। और एक्चुअली जैसे कहा ना, सलमान खान के जितने भी लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं उन सब के दिल की आवाज़ है ये जो लिरिक्स हैं वो। और मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी जो ज़िद है, और जैसे कहते हैं ना कि कायनात जुड़ जाती है मिलाने में, उसी तरह कायनात जो नेचर है उसने इनके लिए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये एक्टर और इनके म्यूज़िक डायरेक्टर सब मुझे लगता है नेचर ने मिलाए हैं। और आज का जो है ये एक फर्दर स्टेप है उसके लिए, और जैसे मुझे भी लग रहा है कि ये इनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और वो दिन दूर नहीं या बहुत कम समय बचा है कि सलमान खान खुद इनको अपने घर पर न्योता देंगे और इनका सपना पूरा होगा। मैं मुझे ये लगता है सिर्फ ये एक गाना कर, क्योंकि इस जर्नी में इनमें से कलाकार भी उभर के आया, तो सलमान खान को मिलने के बाद खुश होकर घर नहीं जाना फिर, नहीं, नहीं। हाँ, तो और म्यूज़िक बनाना और अच्छी अच्छी कलाकारियाँ बनाना ताकि आप जैसे और जो स्ट्रगलर्स कहूँगा या फैंस हैं उनको और भी एनकरेजमेंट मिले। ऑल द बेस्ट। और हम लोगों को खुशी है, मैं सभी कलाकारों की तरफ से कहूँ कि ये दौर हमने भी देखा है कि अमित जी की आवाज़ तो मैं थोड़ी थोड़ी आ रही थी लेकिन कभी सपने में नहीं देखा था गोरेगांव की गली का लड़का अमिताभ बच्चन को कभी देख पाऊँगा। तो जिस दिन अमिताभ बच्चन मेरे सामने खड़े थे उस दिन इनके जो जज्बात होंगे, जो फीलिंग्स होंगी सलमान भाई के सामने, वो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। देखिए इनकी सोच की तारीफ है, और मैं अभी खड़े खड़े सोच रहा था कि हो सकता है इनकी ये पहल एक मिसाल बन जाए, लोग उदाहरण देते हैं। हम आई एम श्योर कि संतोष जी जाएंगे या ऋषि सर जाएंगे, कोई भी यहाँ से जाएगा, वो अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को इस किस्से का जिक्र ज़रूर करेगा, क्योंकि इन्होंने कहाँ से सोच, क्यों इंसान की सोच आदमी को कहीं पहुँचा सकती है। मुझे लगता है कि इनकी ये
एक ऐसी मिसाल है जो शायद आने वाले वक्त में लोगों को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करे। दूसरी चीज़ कि अगर ये लड़की होते और फिर सलमान जी के लिए दीवानगी होती तो डाइल्यूट हो जाता, क्योंकि हिंदुस्तान में करोड़ों लड़कियां हैं जो सलमान से एक बार मिलने के लिए तरसती रहती है। क्या बात है। लेकिन चूंकि आप लड़के हैं इसलिए आपकी आपकी जो भावनाएं बिल्कुल प्योरिटी के साथ वहां तक पहुंच रही है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप आगे बढ़ें और इसको रोकिएगा मत, अपनी इस दौड़ को रोकिएगा मत, हम आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू जी। मेरी जान मैं तुमको एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि हर कामयाब आदमी को पहले लोग पत्थर मारते हैं और मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है तो वही लोग उससे मिलने के रास्ते ढूंढते हैं। तो मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। क्या बात। तो तुम्हारा जो है वो बहुत अच्छा है, अभी मैंने जो देखा जिस किस्म की दीवानगी है और जो भी तुमने इसमें अपने वीडियो में जो दर्शाया है ना, उसमें एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि फ़ैन है बट वो पागल फ़ैन नहीं है जो उसको नेगेटिव ट्रैक पे लेके जाए। आप समझ रहे हो ना जी? आप उसको पॉजिटिव ट्रैक पे लेके गए हो, आपने अपने काम से सलमान खान को रिझाने की कोशिश की है, आपकी जो कला है उससे रिझाने की कोशिश की है। तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और अब इससे कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि जो मुझे स्टेटमेंट देना था मैं पहले दे चुका हूँ। लव यू मेरी जान, गॉड ब्लेस। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, सॉन्ग भी अच्छा बना, पर मेरे को अजीब भी महसूस नहीं हो रहा कि मैंने कैसे शूटिंग किया, कैसे उसका एक्टिंग किया, कैसे, मेरे को अभी भी फीलिंग हो रहा है, पर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, बस ये कहना चाहूँगा। बस पापा मम्मी को भी लेके आया, पापा मम्मी को अभी तक भी सस्पेंड रखा कि मैंने कैसे शूटिंग किया, बस मम्मी पापा आके देखा कि बेटा ने इतना काम किया, ऐसे सॉन्ग बनाया, ऐसे वीडियो में आया, एकदम सस्पेंड रखा, पापा मम्मी को पता भी नहीं था, इधर लाके आया तब पता चला कि इस तरह से बेटा ने ऐसा काम किया है। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। कंदील पकड़े हो। कैसे मिलूँ मैं बिन तेरे मेरी दुनिया अधूरी, बिन तेरे मेरी दुनिया अधूरी, रब तुम्हें मान कर पूजा करूँ मैं। कैसे मिलूँ मैं। अभी मैं इसमें थोड़ी शातिरगिरी करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो दुबई में है, उसको यही गाना गाऊंगा मैं, कैसे मिलूँ मैं।